जीवन में चुनौतियां तो आई है। मैं इसलिए इस देश के हर व्यक्ति से कह रहा हूं कि गुरु के शरण में चले आओ, अपना कोई गुरु ढूंढ लो, ध्यान साधना शुरू कर दो। युवाओं से तो विशेष कर मेरी अपील है कि संघर्ष तुम्हारी नियति है, कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता। तो जब संघर्ष तुम्हारी नियति है, ये अपने अनुभव पे कह रहा हूं, जब संघर्ष तुम्हारी नियति है और कोई बचा नहीं सकता, तो युद्ध के तरीके सीख लिए जाए ना, उससे भागा क्यों जाए? क्यों भागा जाए बताओ? तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, अच्छी बात है, मैं मोटिवेशन भी सुनना चाहिए, कोई बात नहीं, हफ्ते में सुन लिया, दो दिन मैं दिन में एक बार किसी को सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, दिन में एक बार सुन लिया। सिर्फ मोटिवेशन सुनने से कुछ नहीं होगा, स्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। युद्ध संघर्ष प्रत्येक मनुष्य की डेस्टिनी है, करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, करना ही है। और 20 साल पे तो एकदम, 20 वर्ष की आयु पे तो एकदम दिखाई पड़ने लगती है, नौकरी चाहिए, फिर विवाह, फिर समाज, फिर सारी दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर फ्रंट पे लड़ाई शुरू हो जाती है, हर फ्रंट, चारों तरफ से फ्रंट खुल जाते हैं। 5 साल का लड़का, 5 वर्ष का बच्चा, घर में किसी की मृत्यु हो गई, खेल रहे हैं, पता ही नहीं, खेल रहे हैं, पता ही नहीं। 20 वर्ष, जैसे ही 20 वर्ष उम्र होगी, ये सारे फ्रंट खुल जाएंगे, फिर वो मैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार वाले अपने वो मौजूद हैं, फिर इन्हीं के साथ साथ वो अपने, सो कॉल्ड अपने, जिनको हम अपने कहते हैं, अपने, ईर्ष्या, दोष, अहंकार वाले अपने, कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी, कुछ भी करोगे, कोई औरत है बहुत सजली, बहुत सुंदर लग रही है, शादी में पहुंच गई, तो भी जो दूसरी देख रही है, कलेजा फट रहा है, देखो कैसे छम्मक छल्लो बनी टहर थी, सामने पढ़ के नमस्ते भी करेंगी, कहेंगे अरे ढूंढत रहे तो है, बहुत देर से ढूंढत रहे, देखें कि नहीं है फलानी, नहीं आई, लेकिन दूर से जब देखेंगे, वह देखो छम्मक छल्लो बनी, वह देखो, वह देखो। तुम कुछ भी करोगे, ये सो कॉल्ड अपने तुम्हारी जिंदगी में चरस पैदा करेंगे, सबके करते हैं, इनके साथ भी रहना है, इनसे बचना भी है, यही टैलेंट है, परसेंटेज और सेंटेज लाना टैलेंट थोड़ी है, इनके साथ भी रहना है और इनसे बचना भी है। और इन सारी चीजों में जो आदमी तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वो कोई अनुभवी आदमी दिखाएगा, गुरु, ये तुम्हारी शक्ति का आधार बनेगा। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि ध्यान और योग के रास्ते पर आ जाओ, टेंशन मत लो, 6 महीना लगेगा, 6 मंथ्स, दवा बहुत तगड़ी, इसलिए बहुत धीरे धीरे असर करती है, दवा बहुत शक्तिशाली है, बहुत, एक बार सूट करने लगी फिर तो, और सूट करेगी ही करेगी, ऐसा है ही नहीं कि सूट नहीं करेगी, है? जब मुझे सूट कर गई, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाकर, एकदम सूट करेगी, करना ही है। रत्नाकर डाकू को सूट कर गई, अंगुली माल को सूट कर गई, गांधी जी को सूट कर गई, करना ही है, टाइम लेती है, क्योंकि दवा बहुत शक्तिशाली है ना, एलोपैथिक दवा ने बहुत शक्तिशाली, साइड इफेक्ट नहीं है इसके,
एक तो इसके दवा के ध्यान और योग, जो दवा इसके साइड इफेक्ट नहीं है और शक्तिशाली बहुत है, इसलिए बहुत थोड़ा धीरे धीरे काम करती है। घबरा जाते हैं लोग, करा 2 महीने से करी था कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। अरे करो तो पहले 6 महीने यार ध्यान और योग। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह बहुत भयंकर चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास कह चित बिलास जग बूझत बूझत बूझे। ये जग जग ये जगत हमारे मन का ही विस्तार है, मन के सिवा कुछ है ही नहीं। अपने जहां भी मैं पर प्रहार होता है अपने पर ध्यान जाता है तुरंत। अर्जुन को भी जा रहा है, अपने ही परिवार पे जा रहा है, अनुराग है, अर्जुन ही अनुराग है। तो भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्र क्षेत्र के संघर्ष को समझता है कि उसे किनसे लड़ना है, तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृदय मित्र गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए वह परमात्मा स्वरूप को प्राप्त भी कर ले। ये मैंने आपको समझाया कि हम आईएएस बन जाए तो हमारे अपने मजा लें। यहां वही चीज जो संसार में सोचता है वही चीज यहां भी सोचता है कि हम भगवान को भी पालें और अपने भी बने रहें। संभव ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, दोनों साथ में रह ही नहीं सकते। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, कबीर दास जी कह रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं रहेगा भगवान नहीं रहेगा। अब हरि है मैं ना है, तो और मैं जैसे खत्म होगा अपने भी खत्म हो जाएंगे। अब सारा ब्रह्मांड आपका हो गया ना, उसमें अपने भी आ गए। अब आप सीमित नहीं है, असीमित हो गए। मरना और साधु होना बराबर है। चित विलास जग, सारा रायता ये मन का है, इसको तो समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मन सिगरेट पिला रहा है बिना फायदे के, सिगरेट पिला रहा है, जहर पिला रहा है बिना फायदे के, खैनी खिला रहा है बिना फायदे के, चलो शराब पिला रहा है और इतनी पिला रहा है कि नाली के बगल गिर गया आदमी। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, काम सुख के लिए निरंतर तैयार, 24 घंटा। स्त्री ने फोन किया, कहां हो? बोले तुम्हारे दिल में। रात में 2 बजे, अरे तुम्हारे दिल में, आदेश करो, अभी तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। और रात में 2 बजे इसको ध्यान करने के लिए कह दो, अरे बाप रे बाप, ये क्या कष्ट कर डाले, ये क्या अनर्थ कर डाले, ये क्या कह रहे हो यार, इस मूर्ख को देखो। लेकिन ये मूर्ख आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बस आप जागना शुरू कर दें और फिर इसकी सारी ताकत आपके पीछे। आप अपने जीवन से देख लीजिए, कहने की मुझे क्या जरूरत, बहुत सारे लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। काम सुख, स्त्री सुख, पुरुष सुख, 24 घंटा कल पे टालना ही नहीं, इस काम को कल पे टालना ही नहीं, कल होता ही नहीं, इस काम को कल पे टालना ही नहीं कि अरे नहीं यार, कबीर दास जी कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करेगा कब, वो दोहा यहां याद नहीं आएगा, ये कल पे टाला जाएगा, कल कल कर लेंगे। फिर आदमी कहते हैं भैया हमार भैया भाग्य खराब है, तुम्हार दिमाग खराब है, अगर ये घटनाएं आपके साथ भी घट रही हैं तो आपका भाग्य खराब नहीं है, आपका दिमाग खराब है।